आप इनको जिताने की मेहरबानी करें, सबका अपने आप में भला हो। मेरी ओर से तो यही अपील है कि आने वाली 7 दिसंबर को हम सब हमारे मंडावा निर्वाचन क्षेत्र दोनों ब्लॉक के अध्यक्ष सलीम जी सीगड़ी, सुनील जी खीचड़, पीसीसी के मेंबर बनवारी लाल जी। अभी चुनावी माहौल शुरू हो गया है, अभी मेरा आपसे अपील करता हूँ, उनको नमन करता हूँ जिनके लिए कि संतोष हाकिम ये करना है। बड़ी श्रद्धा पूर्वक देखते हैं और रामनारायण जी एक सच्चे और कांग्रेस के पक्के सिपाही थे। जब कांग्रेस का विघटन हुआ तब भी रामनारायण चौधरी साहब ने इंदिरा जी को सपोर्ट किया और मैं समझता हूँ कि रामनारायण जी एक पहले नेता हैं सोनभद्र जिले के जिन्होंने विभिन्न पदों पे सुशोभित किया, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे होंगे, चाहे विधानसभा अध्यक्ष रहे होंगे, चाहे मंत्रिमंडल में रहे होंगे, चाहे वो बागी कभी नहीं बने। जो लोग बागी बात करते हैं उनके कहीं खून में बागी नहीं था, वो तो 13 साल तक टिकट नहीं मिली तो घर बैठे रहे और कांग्रेस के प्रति श्रद्धापूर्वक कार्य करता रहे। ये चीज़ कहना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन पिताजी के रामनारायण चौधरी साहब के संस्कार हमारे अंदर हैं। जिस तरीके से उन्होंने बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना राजनीतिक जीवन और जिस स्पष्टता और साफ सुथरेपन से अपना सामाजिक जीवन जिया, वो मेरे लिए बहुत एक आदर्श की बात है और मैं उनके पद चिन्हों पर चलना चाहूँगी। इनको लेकर सभी उनके आदर्शों को, कठिन मार्ग है लेकिन नामुमकिन नहीं। आपके विरोधी जयपुर में जाकर मिले हैं कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? उनका मिलना मुझे और ताकत देता है, मुझे और मजबूती दी है, क्योंकि वो इस चीज़ को तो मान ही लिया है उन्होंने कि रीटा को टिकट मिल रही है।